हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ बिना नारियल के ही बिल्कुल नारियल के टेस्ट वाली चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। चलिए तो बिना देर किए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। इस चटनी को बनाने के लिए एक पैन में एक बड़ा चम्मच ऑयल लेना है और इसे लो मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप चने की दाल। मैंने 2 घंटे तक पानी में भीगी हुई दाल ली है। मैंने 1/4 कप दाल ली थी, भीगने के बाद ये आधा कप हो चुकी है। दाल को बराबर इसी तरह से स्टिर करते हुए लो मीडियम फ्लेम पर करीब 3 से 4 मिनट तक भूनना है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपसे एक रिक्वेस्ट है। यदि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। दाल को भूनते हुए करीब 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। दाल के एक दाने को लेकर इस तरह से प्रेस करके देखेंगे। भूनने के बाद दाल काफी सॉफ्ट हो चुकी है और इसका मॉइस्चर भी काफी रिड्यूस हो चुका है। टेस्टी चटनी बनाने के लिए दाल का भूनना बहुत जरूरी है। अब दाल को पूरी तरह से ठंडा करने के बाद इसे एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर करना है। अब मैं ऐड करूंगी दही। ये मैंने 3/4 कप ताजी दही लिया है। चटनी बनाने के लिए हमें ताजी दही ही चाहिए, इससे चटनी का टेस्ट अच्छा रहता है। अब मैं ऐड करूंगी 2 हरी मिर्च, इनको मैंने रफली छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 छोटा चम्मच नमक ऐड करना है। नमक की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हम पानी ऐड नहीं करेंगे। अब एक बार इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। दाल को दही के साथ मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए अभी दाल की कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थिक है। अब हम ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को चेंज करेंगे। आधा कप पानी ऐड करके मैंने काफ़ी पतली कंसिस्टेंसी की चटनी तैयार कर ली है और ये देखिए इस चटनी का जो टेक्सचर है बिल्कुल नारियल की चटनी की ही तरह से होता है, क्योंकि नारियल भी इसी तरह का दानेदार हो जाता है चटनी में और ये दाल भी ग्राइंड होने के बाद बिल्कुल नारियल की तरह से ही दानेदार टेक्सचर में है। अभी इस चटनी का टेक्सचर तो बिल्कुल नारियल की चटनी की तरह से बन चुका है, लेकिन अभी ये टेस्ट में नारियल की चटनी की तरह से नहीं है। तो इसके लिए हम लेंगे 2 ब्रेड स्लाइस। मैंने यहाँ पर ब्राउन ब्रेड ली है, आप चाहें तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। ब्रेड के छोटे पीसेस करके हम इनसे ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करेंगे। ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए ब्रेड के इन पीसेस को बस ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करके आधा से 1 मिनट तक ग्राइंड करना है और बस इस तरह से ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाते हैं। ग्राइंड की गई चटनी को बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स कितने ऐड करने हैं ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आप चटनी की जैसी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं आप उसी क्वान्टिटी में इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं। अब इनको चटनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। आपको यदि चटनी की कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक रखनी है तो आप इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स और ऐड कर सकते हैं। आधा कप चने की दाल से चटनी बनाने के लिए इस तरह से 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स ऐड करके चटनी की बहुत ही बढ़िया कंसिस्टेंसी तैयार हो जाती है। बिना नारियल के ही टेस्ट और टेक्सचर दोनों में ही ये चटनी नारियल की चटनी के जैसी ही रहती है। तो ये चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसके लिए हम तड़का बनाकर तैयार करेंगे। तड़का बनाने के लिए मैंने जिस पैन में दाल को भूना था उसी पैन को मैंने दोबारा ले लिया है। अभी गैस की फ्लेम को लो रखना है और 1 चम्मच ऑयल को लो फ्लेम पर ही गर्म करना है। तड़का लगाने के लिए हमें लेनी है 4 सूखी हुई लाल मिर्च, 8 से 10 करी पत्ते, 1 छोटा चम्मच राई और 1 पिंच हींग। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें सबसे पहले राई ऐड करेंगे। राई के साथ ही हम इसमें मिर्च भी ऐड करेंगे। अब राई और मिर्च को लो फ्लेम पर ही करीब 8 से 10 सेकंड तक भूनना है। इनको भूनने के बाद अब हम ऐड करेंगे करी पत्ते और हींग। अब इन दोनों को भी हम करीब 5 सेकंड तक लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। तड़का तैयार हो चुका है। अब गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद इसे चटनी में ऐड करना है। बिना नारियल के बनने वाली नारियल के टेस्ट और टेक्सचर जैसी ही ये चटनी बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। जब कभी भी घर पर नारियल अवेलेबल ना हो तब आप इस चटनी को बहुत ही इंस्टेंटली बनाकर तैयार कर सकते हैं।
आप इस चटनी को एक बार बनाकर 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए, तड़के को मैंने चटनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। ये चटनी नारियल से भले ना बनी हो, लेकिन इसका टेस्ट तो बिल्कुल नारियल की चटनी की जैसे ही होता है। तो आप इस चटनी की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, इसीलिए अपना एक वैल्यूएबल कमेंट देना ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। गुड बाय।